अभुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हर गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण 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 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातन मनस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करुषति नारायण भगवान श्री कृष्णचंद्र का अर्जुन के प्रति उद्बोधन है। ममैवांशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः संसार जीवलोक है। श्री वल्लभाचार्य महाभाग जीवार्था सृष्टि
और आत्मार्था सृष्टि, इस प्रकार सृष्टि के भेद करते हैं। जीवार्था सृष्टि की दृष्टि से भगवान ने कहा जीव लोके। महाप्रलय के पूर्व तक जो जीव कृतार्थ नहीं होते उनको कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से भगवान उनके शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर पुनः सृष्टि की संरचना करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक अध्याय है, उसमें इस रहस्य का प्रतिपादन किया गया। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश से मंडित जगत की संरचना की और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण रूप जीवन प्रदान किया। भला क्यों? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार अर्थ धर्म काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके। विशेषकर धर्म अर्थ और काम का ऐसा उपयोग और विनियोग जीवन में हो कि चरम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि संभव हो सके, इसीलिए भगवान ने जीव लोके शब्द का प्रयोग किया। संसार में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने ऐसा अर्थ किया। जीवार्था सृष्टि को लेकर यह बात कही गई। ममैव अंशः महत्वपूर्ण वचन है, मेरा ही अंश है जीव। एव कार का अर्थ क्या हुआ? चार्वाक मत का या लोकायतिकों के सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है। मेरा ही का अर्थ क्या हुआ? किसी अन्य का नहीं। इसका अर्थ है कि भूत चतुष्टय का संघात शरीर है चार्वाकों के मत में, और चेतना विशिष्ट शरीर को ही वे लोग आत्मा मानते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर जीव उनके मत में भूतों का अंश सिद्ध होता है। भूत चतुष्टय का संघात शरीर है एक दृष्टि से, चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है। भूत चतुष्टय से ही चेतना विशिष्ट शरीर की निष्पत्ति होती है, उसी का नाम जीव है। तो भूतों का अंश जीव सिद्ध होता है चार्वाकों के मत में। इस मत का निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा ममैव अंशः, मेरा ही अंश है किसी अन्य का नहीं। अर्थात जीव कोई भौतिक तत्व नहीं है या पदार्थ नहीं। यहाँ एक विशेष बात हृदयंगम करने योग्य है। शरीर को कोई अपने प्रस्थान सिद्धांत या मत की सीमा में आत्मा भले ही मान ले, परंतु शरीर किसी के मत में तत्व नहीं है या एक सार्वभौम सिद्धांत।
शरीर को अपने प्रस्थान की सीमा में भले ही कोई आत्मा मान ले, लेकिन देह किसी भी दृष्टि से तत्व नहीं है। चार्वाक भी भूत चतुष्टय को तत्व मानते हैं, न कि शरीर को। भले ही वे अपने प्रस्थान की सीमा में चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हों, भगवान ने कहा ममैव, इसका अर्थ होता है मेरा ही, अर्थात भूतों का संघात शरीर है और वह आत्मा है, या जो चार्वाकों का पक्ष है वह निराकरण करने योग्य। एवकार के द्वारा भगवान ने चार्वाकों के सिद्धांत का निराकरण किया। अब अंशः शब्द है, आगे सनातनः पद का प्रयोग किया गया है, दोनों में सामंजस्य साधने की दृष्टि से भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इव का अध्याहार किया। इव माने सरीखा या सदृश, अंश इव अर्थात अंश सरीखा है, न कि सचमुच में अंश ही, क्योंकि सनातन पद आगे है। सनातन तभी हो सकता है जब अनश्वर हो, सनातन तभी होगा जब अनश्वर हो। लेकिन अंश अगर हम मानते हैं तो सावयव का अंश होता है, एक मिश्री के डले को, एक मिश्री की डली को पत्थर पर फेंक दें तो उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं, अवयवी मिश्री की डली भी नश्वर सिद्ध होती है, रवे भी नश्वर सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार अगर जीव सचमुच में भगवान का अंश ही हो तो भगवान भी नश्वर सिद्ध होंगे और जीव भी नश्वर सिद्ध होगा। अतः सनातनः इस पद को देखते हुए इव का अध्याहार करना उचित समझा भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने। तुलसीदास जी महाभाग ने इसका अनुवाद किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सनातन शब्द के स्थान पर अविनाशी पद का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया। भगवान के तात्पर्य को उन्होंने समुचित ढंग से व्यक्त कर दिया। भला अंश क्यों नहीं, क्योंकि निरवयव है भगवत तत्व या परमात्मा तत्व, उसका अंश सचमुच में हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जगत की संरचना को लेकर भी विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में किया है, भगवान ने कर्त भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने, ब्रह्म तो निरंश है, अगर जगत को उसका परिणाम मानेंगे तो एक तो परिणाम की सिद्धि नहीं होगी, कदाचित सिद्धि मानेंगे तो ब्रह्म अवशिष्ट नहीं रहेगा, मुक्तोपसृप्य ब्रह्म का अभाव होगा। भगवत तत्व निरंश है, निरवयव है, अतः यहाँ पर अनुच्छन्नपि न चाहते हुए भी विवर्तवाद स्वीकार करने की आवश्यकता है। परिणामवाद में मूल तत्व का ही विलोप होगा, वह सावयव सिद्ध होगा। तो जैसे जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तत्व स्वरूपता निरवयव निरंश निर्गुण
निर्विशेष निर्धर्मक आदि है। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए, जीव भी भगवान का अंश नहीं हो सकता। फिर अंश पद का प्रयोग भगवान ने किस अभिप्राय से किया, तो भगवत पाद शंकराचार्य जी के अभिप्राय को श्री नीलकंठ जी श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने ढंग से व्यक्त किया, श्रुतियों को उद्धृत करके। जैसे अग्नि से चिंगारियों की अभिव्यक्ति होती है, चिंगारियों में भेद की प्रसक्ति है, अग्नि में भी भेद की प्रसक्ति है, अभिव्यंजक संस्थान के भेद से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में भेद होता है, यह एक शाश्वत सिद्धांत। और चिंगारियों में वृद्धि ह्रास और उनका विलोप भी परिलक्षित है, लेकिन औपाधिक होने के कारण वस्तुतः प्राकृतिक है। श्रुति ने जैसे अग्नि से चिंगारियों की विस्फुलिंगों की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे ही ब्रह्म से जीव की अभिव्यक्ति माना। यहाँ अभिव्यक्ति औपाधिक है, अतः श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में दत्तात्रेय महाभाग ने अग्नि को भी अपना गुरु बनाया, उससे भी शिक्षा ली। वहां पर इसी रहस्य का उन्होंने प्रतिपादन किया है। अग्नि तत्व में तो विविधता नहीं है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के कारण उसमें विविधता परिलक्षित है। साथ ही साथ वृद्धि ह्रास और विनाश भी परिलक्षित है। वस्तुतः अग्नि तत्व वृद्धि ह्रास और विनाश से रहित है। कब तक आभूत संप्लव स्थान इनको माना गया, महाप्रलय की अवधि तक, जब तक 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की अवधि बीत न जाए, तब तक पंचभूत विद्यमान रहते हैं। अग्नि में जो विविधता है औपाधिक है, इसी प्रकार से वृद्धि ह्रास भी औपाधिक है। इसी तरह यहाँ भी अंश पद का प्रयोग करके भगवान ने औपाधिकता व्यक्त की। कार्योपाधिरयम जीव है, कारणोपाधिरीश्वर है, कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। अष्टोत्तर शत उपनिषदों में यह वचन दो बार आया है, शुक रहस्योपनिषद में और एक अन्यत्र भी। तो जीव कार्योपाधिक चित धातु का नाम है। इस दृष्टि से विचार करें तो तद्गुण सारत्व न्याय ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के अनुसार सिद्ध होता है। तद्गुण माने बुद्धि के अनुरूप जीव को लेकर हमारी मान्यता बनती है, क्योंकि बुद्धि ही अभिव्यंजक संस्थान है। किसका? जीव का। अतः बुद्धि का उन्मानत्व, वृत्ति योग से बुद्धि की विविधता, इन सब का आरोप जीव पर हो जाता है। अतः अंश इव भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दो दृष्टांत प्रस्तुत किया, एक प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से, एक अवच्छेदवाद की दृष्टि से। जैसे नवसूर्य होता है, वो जलाशय में अभिव्यक्त होता है, तब उसे क्या कहते? जल सूर्य।
इसी प्रकार समझ सकते हैं कि नभचंद्र होता है, नभोमंडल में जो उद्दीप्त प्रतिष्ठक प्रकाश रात्रि में दृष्टिगोचर चंद्र है उसको नभचंद्र कहते हैं, जलाशय में जो उसका प्रतिफलन होता है उसको जलचंद्र कहते हैं। तो जल सूर्य या जलचंद्र जिस प्रकार अंश शरीखा परिलक्षित होता है और नव सूर्य या नवचंद्र जिस प्रकार अंशी शरीखा परिलक्षित होता है वैसे ही जीव अंश शरीखा है और जगदीश्वर अंशी शरीखे हैं ऐसा समझना चाहिए। अवच्छेदवाद की दृष्टि से दूसरा उदाहरण दिया, घटाकाश अंश शरीखा परिलक्षित होता है, महाकाश अंशी शरीखा परिलक्षित होता है। वस्तुतः घटाकाश अंश नहीं और महाकाश अंशी नहीं, इसी प्रकार से जीव अंश शरीखा है और जगदीश्वर भगवान या ब्रह्म तत्व अंशी शरीखा है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सनातन निरुपाधिक दृष्टि से बताया गया क्योंकि जीवो नित्य जीव नित्य है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः। इसमें छांदोग्य श्रुति के छठे अध्याय में जो शांकर भाष्य है वह अवलोकन करने योग्य है, अनुशीलन करने योग्य है। जीव नश्वर है या अनश्वर, क्योंकि पंचरात्र सिद्धांत का जहां पर ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में निराकरण किया गया है वहां इस आधार को लेकर निराकरण किया गया कि उनके मत में संकर्षण रूप जो जीव है उसकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई तो उसका नाश सुनिश्चित है। अतः ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में पंचरात्र सिद्धांत का निराकरण किया गया। अभिमत अंश का समर्थन, अनभिमत अंश का निराकरण किया गया। लेकिन छांदोग्य श्रुति के छठे अध्याय पर जो भाष्य है उसमें प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद की रीति से जीव का प्रतिपादन किया गया और एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया गया जगत को लेकर, उसी प्रकार जीव को लेकर। जगत को हम क्या कहेंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि सन्मात्र, हम किसी भी वस्तु के अस्तित्व का प्रलाप नहीं करते हैं, वेदांत की यह पूर्वता है। सत का कार्य होने के कारण सब कुछ सद्रूप है। अब जो भाष्यों का ठीक से अनुशीलन नहीं करते वे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को लेकर कुपित होते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि यह भी श्रुति है, निरालंबोपनिषद है यह ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथ में भी यह वचन है लेकिन निरालंबोपनिषद है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत को लेकर प्रायः विचार बहुत कम किया गया है आचार्यों के द्वारा, उत्तरवर्ती आचार्यों के द्वारा। कहीं जगत को नित्य कहा गया है उपनिषदों में, नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम जो यहाँ पर है औ का प्रश्लेषण मानने पर नित्यानाम बहुवचन घटित है, तो यहाँ जगत को नित्य कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में सत्य से सत्यम श्रीमद् भागवत का तो वचन है ही दसम स्कंध का, लेकिन मूलतः बृहदारण्यक उपनिषद का यह वचन है सत्य से सत्यम। तो श्रुति
केनोपनिषद की शैली है यह सब, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक नियम निर्धारित किया, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित और संबंध विभक्ति घटित दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। शब्द एक है, विभक्ति के भेद से प्रकार उसके दो हो जाते हैं। प्राणस्य प्राण, मनसो मन, वाचो वाक् इत्यादि स्थलों में। इसी प्रकार सत्यस्य सत्यम, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित और एक है संबंध विभक्ति घटित। तुलसीदास जी ने भी केनोपनिषद के वचन का समादर करते हुए एक शैली अपनाई, प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, तुम तज जिनहि सुहात गृह तिनहि विधाता वाम। अब रामायणी केवल रामायणी हो तो जीवन जी के अर्थ, जीवन जी के इसका अर्थ तो नहीं लगा सकते। उपनिषद इत्यादि का भाष्य सहित परिज्ञान नहीं है तो रामायणी लोग क्या करते हैं, कथा भाग कह के दर्शन भाग में तो वो शून्य ही प्रायः हो सिद्ध हो जाते हैं। हमें एक बार बहुत कष्ट हुआ जब हम श्वेता स्वतर उपनिषद की व्याख्या लिख रहे थे सिजल स्वामी जी की प्रेरणा से, उसमें संसार वृक्ष का वर्णन आया तो मुझे ध्यान आया कि रामचरितमानस में अव्यक्त मूल मनादितर इस प्रकार से तुलसीदास जी ने संसार वृक्ष का प्रतिपादन किया है। कठोपनिषद आदि में भी है, महाभारत आदि में भी है, तो मानस पीयूष टीका देखने की आवश्यकता हुई। अव्यक्त मूल मनादि तरु पर जितनी टीकाएं सब वस्तु स्थिति से बहुत दूर, मुझे बहुत कष्ट हुआ। गणित की दृष्टि से देखा तो कोई भी टीका यहाँ पर जितनी टीकाओं का संकलन है उसमें किसी ने ठीक भाव व्यक्त नहीं किया। तो वो रामायण का अर्थ भी तो तभी लगेगा ना जब दर्शन शास्त्र साधा हो। फिर हमने क्या अर्थ किया ये तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन श्वेता स्वतर उपनिषद में अव्यक्त मूल मदारि तरु का जो अर्थ होना चाहिए दार्शनिक धरातल पर गणित की दृष्टि से वह लिख दिया। तो कभी कभी और बहुधा यही होता है कि रामचरितमानस आदि में जो दार्शनिक पक्ष हैं वहाँ प्रवचनकार तो बिल्कुल सुदूर भग जाते हैं, या तो छूते नहीं या छूते हैं तो कुछ का कुछ अर्थ कर देते हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, सुख के सुख आनंदमय कोष का वर्णन हो गया, प्राण प्राण के प्राणस्य प्राण प्राणमय कोष का वर्णन हो गया, दोनों के बीच में जीवन जी के ये मनोमय और विज्ञानमय कोष, मन के भी मन विज्ञान के भी विज्ञान आप हैं, ये अर्थ निकलता है। लेकिन अब जिनको कोषों का वर्णन ठीक से सदा हुआ नहीं है या ज्ञान ही नहीं है वो जीवन जी के इसका अर्थ तो कर ही नहीं सकते। तो हमने एक संकेत किया तो सत्यस्य सत्यम, सत्य का भी सत्य परमात्मा है। सत्यस्य सत्यम इसमें जो संबंध विभक्ति घटित सत्य पद का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए, जगत के लिए, जगत सत्य है। और नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम कहा गया तो जगत को नित्य माना गया। इसी प्रकार से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जहाँ कहा गया निरालंबोपनिषद में वहां जगत को मिथ्या माना गया। असतो मा सदगमय तो गीता में ना सतो विद्यते भावा जहाँ कहा गया वहाँ जगत को असत कहा गया। और तेजो बिंदु उपनिषद में तो झड़ी लगा दी गई है, असत और मिथ्या जगत को सिद्ध करने के लिए बहुत से दृष्टांत हैं। तो अब क्या है यह जगत, कहीं
आत्मै वेदं सर्वं, ब्रह्मै वेदं सर्वं, अहमै वेदं सर्वं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तो बड़ी विचित्र कहानी है, जगत का निर्धारण कैसे करें कि है क्या चीज। कहीं सच्चिदानंद माना गया, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, आत्मा है, ये भी कहा गया, नित्य है, सत्य है, फिर क्या है। लेकिन सत्यस्य सत्यम नित्यो नित्यानाम कहकर सापेक्ष भी सिद्ध कर दिया गया, निरपेक्ष सत्य नहीं है, निरपेक्ष नित्य नहीं है। अगर निरपेक्ष कहना होता तो सत्यस्य के आगे सत्यम पद का प्रयोग नहीं होता। नित्यो नित्यानाम, नित्य के आगे नित्यानाम पद का प्रयोग नहीं होता। तो कूटस्थ सत्य तो नहीं है जगत, यह तो सिद्ध होता है। इसलिए फिर गुणोपसंहारण न्याय से जगत की मीमांसा करनी पड़ती है। जैसे कि व्यापारी होता है, लेखा जोखा करता है, अमुक सामग्री इतने रुपए में प्राप्त हुई, उसका विक्रय इतने रुपए में हुआ, अब लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ तो कितना, हानि हुई तो कितनी, इसका नाम है गुणोपसंहारण न्याय। इसी प्रकार जीव को लेकर, जगत को लेकर, ब्रह्म को लेकर जिन जिन शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है, सबका संकलन करके एकत्र करना चाहिए। फिर समीक्षा करने पर हमको जगत का ठीक ठीक विज्ञान होगा, जीव का ठीक ठीक विज्ञान होगा और ब्रह्म का ठीक ठीक परिज्ञान होगा। इसका नाम है गुणोपसंहारण न्याय। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, यहाँ तो सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो किसी के भी अस्तित्व का अपलाप हमको अभीष्ट नहीं है। फिर भाव व्यक्त करते करते कहा कि वस्तुतः जब तक हम विवर्तवाद को स्वीकार नहीं करते, तब तक मुक्तोपसृप्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। अंजन का आंख जई फूटे, हम जगत की मीमांसा करते करते ब्रह्म का ऐसा प्रतिपादन कर बैठे कि ब्रह्म ही शेष न रहे या विकारी सिद्ध हो जाए, तब तो जघन्य अपराध हुआ। इसलिए कहा गया कि अंत में जब ब्रह्म तत्व निरवयव है, निरंश है, निर्गुण है, निर्धर्मक है, तो जगत उसका परिणाम क्या होगा, अंत में विवर्त स्वीकार करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया, जीव को हम अनित्य माने या नित्य, जब हम प्रतिबिंब कोटि का मानते हैं तब क्या होगा, प्रतिबिंब तो बिंब रूप से शेष रहता है। तो फिर शंकराचार्य जी ने कहा, औपाधिक धरातल पर जीव की अनित्यता सिद्ध होती है, स्वतः आत्मस्वरूप ब्रह्म है, अतः निरुपाधिक धरातल पर जीव नित्य है। ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन है, मेरा ही अंश सरीखा है। जीव लोके या जो जीव लोक है, अर्थात संसार है, इसका मतलब देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के योग से ब्रह्म तत्व की ही जीव के रूप में अभिव्यक्ति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव का वास्तविक स्वरूप हमको समझना हो तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त उसको समझना चाहिए। अभिव्यंजक संस्थान जो बुद्धि है, उसको लेकर ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, उत्क्रांतिगत्यधिकरणम। उत्क्रांतिगत्यधिकरणम, बुद्धि के उत्क्रमण से जीव में उत्क्रमण का उपचार होता है, बुद्धि की गति से जीव में गति का उपचार होता है, बुद्धि के उन्मानत्व को जीव पर मर देते हैं, कोई मध्यम परिमाण परिमित तो कोई अणु परिमाण परिमित मान लेते हैं। वस्तु स्थिति क्या है कि
अनात्म वस्तुओं से विव्यक्त आत्म तत्व का विज्ञान हमको अभिमत है। फिर उपाधि का आलंबन क्यों लेते हैं, तो उपाधि का भी बहुत महत्व है। उपाधि शब्द का अभिमत अर्थ हमको मांडुक्य उपनिषद से प्राप्त होता है। मांडुक्य उपनिषद में उपव्याख्यान शब्द का प्रयोग किया गया है, उपाधि के अर्थ में उपव्याख्यान। समीपस्थता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम होता है उपाधि। तुलसीदास जी महाभाग ने इसी अर्थ में उपाधि शब्द का प्रयोग किया, नाम रूप द्वयी ईश उपाधि। बाधि नहीं का सुसामुझ साधि का बहुत ऊंचा अच्छा अर्थ है ना। अगर वो कोई बला हो तो बाधि कहते, साधि सुसामुझ साधि, नाम रूप द्वयी ईश उपाधि। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने अर्थ बताया कि यहाँ पर उपाधि की उपयोगिता सिद्ध की गई है, नहीं तो बाधि शब्द का प्रयोग करते तुलसीदास जी सुसामुझ साधि शब्द का प्रयोग क्यों कर किया उन्होंने। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग और तुलसीदास जी महाभाग समकालिक थे और दोनों वाराणसी में रहते थे। श्री मधुसूदन सरस्वती जी के ग्रंथों का तुलसीदास जी के ग्रंथों पर बहुत प्रभाव है। दोनों में लगता है कि समय समय पर विचार विनिमय होता था। आनंद कानने यस्मिन, ये तो मधुसूदन सरस्वती जी की प्रशस्ति है रामचरितमानस को लेकर। उपाधि की जो परिभाषा श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने की, तुलसीदास जी ने भी सुसामुझ साधि नाम रूप द्वयी ईश उपाधि कहकर उसी प्रकार का भाव चित्रित किया। और मूल में मांडुक उपनिषद में उसी को उपव्याख्यान कहा गया। उपव्याख्यान का अर्थ होता है जिसका आलंबन लेने पर सम्यक अभिव्यक्ति तत्व की हो सके, उपव्याख्यान है। अभिव्यंजक संस्थान है। इस दृष्टि से अगर हम बुद्धि का आलंबन न लें तो जीव को लेकर नैरात्मवाद का भ्रम होता है। वेदांत एक जटिल पहेली है, समझ पाना बहुत कठिन है, दुर्गम घाटी। कैसे, काष्ठ में अग्नि है, ग्रंथों में इतना लिखा हो, और वह दाह प्रकाश संपन्न है, दाहक है, प्रकाशक है, काष्ठगत या दारुगत वर्णी है, लेकिन घर्षण के द्वारा जो आग को व्यक्त करते हैं, व्यक्त अग्नि का किसी को दर्शन ही न हुआ हो तो शास्त्रार्थ का अंत कहाँ होगा। क्या अंत में कोई कहेगा कि ये सब कल्पना है, आग होती तो दिखती, न दाह का दर्शन होता है अनुभव, न प्रकाश का अनुभव होता है, तो कैसे मान लें कि दारुगत वाणी है। इसलिए नैरात्मवाद का विभ्रम न पले, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति अपेक्षित है। पूज्य गुरुदेव का अवतारवाद पर निबंध है, गीता सुधा में उसको हमने यथास्थान रखा है 36वें लेख के रूप। उसमें हमने कुछ अंश ब्रैकेट में इस प्रकार उन्हीं के भावों को स्पष्ट किया है, पूज्य गुरुदेव के भावों। गीता सुधा में लगभग 100 निबंध हैं, 1000 पृष्ठों में कुछ काट छांट करें तो 800 पृष्ठों में 700 में वो ग्रंथ गीता पर पूरा होगा। पूज्य गुरुदेव के लेखों का वक्तव्यों का संकलन है। तो ये एक बहुत विचित्र पहेली है, अगर अभिव्यक्ति न हो तो अस्तित्व पर ही प्रहार हो जाता है। अगर अग्नि को घर्षण के द्वारा मंथन के द्वारा व्यक्त न करें तो अग्नि है इसमें क्या प्रमाण, और व्यक्त कर दें तो लाठीचार्ज। लाठीचार्ज का मतलब जो दृश्य है वो नश्वर है। बड़ी विचित्र बात है, रहा भी न जाए सहा भी न जाए, व्यक्त न करें तो अस्तित्व पर प्रहार बौद्ध लोग कर देंगे, नैरात्मवाद की सिद्धि हो जाएगी।
अव्यक्त कर दें तो हम कहेंगे जो दिखता है वो नश्वर है, मिथ्या है। तो यहाँ भी चैन नहीं, वहां भी चैन नहीं। इसलिए समझ कर वस्तु स्थिति के प्रतिपादन की आवश्यकता है, और समझने के लिए भी बहुत सहृदयता और तत्व निष्ठा दोनों की अपेक्षा है। तत्व के पक्षधर हो लेकिन सहृदयता भी हो, तब बात समझ में आती है। तो क्या सार हुआ? अगर ब्रह्म है तो व्यक्त क्यों नहीं होता? अब व्यक्त हो गया तो कहेंगे मिथ्या है। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए बताया गया कि दर्पण के माध्यम से मुखचंद्र दर्पणगत परिलक्षित होता है। तो अब मुखचंद्र के अस्तित्व में कोई शंका संदेह की बात नहीं, क्योंकि अभिव्यक्त है, दृष्टिगोचर है। अभिव्यक्ति से क्या होता है, मूल तत्व में जैसी क्षमता नहीं परिलक्षित होती वो क्षमता आ जाती। अपनी आँखों से कोई अपने मुख का दर्शन कर सकता है क्या? किया है किसी ने? क्या कहेंगे रोज तो प्रतिबिंब है। अपनी आँखों से किसी ने अपने मुख का दर्शन किया है? लेकिन मुख का दर्शन करना हो तो अभिव्यंजक संस्थान चाहिए, निर्मल निश्चल दर्पण आदि। अब अभिव्यक्त हो गया, अब ठीक है मुख का विज्ञान हो गया कैसा मुख है। अब दर्पण को औंध दिया, वो प्रतिफलन कहाँ चला गया, प्रतिबिंब कहाँ चला गया, बिंब रूप में शेष रह गया। यह प्रक्रिया है। इसीलिए अभिव्यक्ति के लिए उपाधि चाहिए। अभिव्यंजक संस्थान के बिना असंभावना की और विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होती। जैसे अग्नि को प्रकट करके कोई दिखावे नहीं तो क्या पता दारुगत अग्नि है या नहीं है। विद्युत बादल के द्वारा अर्थात मेघमंडल के द्वारा और आजकल बल्ब इत्यादि के द्वारा न प्रकट हो तो बिजली के अस्तित्व पर ही प्रहार हो जाए, तो नैरात्मवाद की सिद्धि हो जाए। नैरात्मवाद का निराकरण करने के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। चार वाक्यों का एक पक्ष मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ जो हमारे पूज्य गुरुदेव का है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसमें रखा गया कि अगर आत्मा देहादि से अतीत है तो परिलक्षित होना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए, क्योंकि तो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। चार बार तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दिया, आप तो भूत चतुष्टय का अस्तित्व मानते हैं, चारवाक आकाश का अस्तित्व नहीं मानते, पृथ्वी जल तेज वायु चार भूतों को तो मानते हैं लेकिन इंद्रिय गोचर रूप ही इनका वो मान सकते हैं। अनुमान सिद्ध जो आकाश आदि है उसको तो मानते नहीं, अतीन्द्रिय पृथ्वी जल तेज वायु को भी नहीं मान सकते। मानेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण को मानने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। तो फिर प्रश्न उठाया गया कि आप तो तेज का अग्नि का अस्तित्व मानते हैं, काष्ठ के घर्षण से जब आग प्रकट होती है तो उसको तो मानते हैं आप, तो क्या आप ये मानते हैं कि जब घर्षण क्रिया का संपादन नहीं किया गया था, केवल दारुगत अग्नि का अस्तित्व था या नहीं? अगर दारुगत अग्नि का अस्तित्व न होता तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था। तो जैसे अभिव्यंजक संस्थान की अपेक्षा है और अभिव्यंजन के उपयुक्त क्रिया की अपेक्षा है, एक संस्थान है एक तदनुकूल क्रिया है। काष्ठ जो है दिया सलाई वो अभिव्यंजक संस्थान तो है, लेकिन जब तक अभिव्यंजन के अनुरूप क्रिया का संपादन न हो तब तक दिया सलाय में या ईंधन में काष्ठ में या पाषाण इत्यादि में जो सन्निहित अग्नि है वो व्यक्त परिलक्षित न हो। अभिव्यंजक संस्थान और तद्गत अभिमत क्रिया, इसीलिए गीता में कर्म के जब पांच हेतुओं का वर्णन किया गया 18वें अध्याय में,
अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, यहीं जाकर भगवान ने मौन धारण कर लिया हो ऐसा नहीं। फिर आगे क्या कहा, विविधास्त पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचम। विविधास्त पृथक चेष्टा क्यों कहा, करण जो है अभिव्यंजक संस्थान तो है, करण के द्वारा कर्म की निष्पत्ति तो होती है, लेकिन तदनुकूल व्यापार चाहिए ना, उद्यमन निपातन, कुल्हाड़ी लिया उठाया बजारा यूं काटने के लिए, छेदन क्रिया की निष्पत्ति के लिए उद्यमन निपातन, उद्यमन निपातन। तो करण होना या अभिव्यंजक संस्थान होना ही पर्याप्त नहीं है, अभिव्यक्ति के अनुकूल करणगत व्यापार या चेष्टा भी अपेक्षित है यह कह। इस दृष्टि से बुद्धि के गुण जो हैं उसका आरोप जीव पर आत्मा पर उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार दारु गत जो टेढ़ापन इत्यादि है उसका आरोप चिंगारी पर अग्नि पर हो जाता है। तो बहुत एक जटिल समस्या है, कितने अंशों में उपाधि का अनुवर्तन करता है कौन, अभिव्यक्त पदार्थ, और कितने अंशों में उपाधि का अनुवर्तन नहीं करता। अभी हमारी आपकी बुद्धि पर छोड़ दिया जाए तो हम आप तो पागल हो जाएंगे, अपने विवेक से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए ऋषियों का ऋण मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। पंचदशीकार जी ने बहुत बढ़िया एक तथ्य प्रकाशित किया, वेदों में पद्धतियां हैं सोमयाग इत्यादि करने की, हैं क्या, बीज रूप में, लेकिन ये ऋषि ना होते तो वेदों का मंथन करके पद्धति कैसे निकालते, इस पर ध्यान आपका गया होगा। अगर वो पद्धति ना होती तो सोमयाग इत्यादि की निष्पत्ति कैसे होती। अच्छा, यज्ञोपवीत कराने की भी तो पद्धति बनाई ऋषियों ने, नारद परिव्राज को उपनिषद, संन्यासोपनिषद, दो जगह यज्ञोपवीत के मंत्र हैं, अष्टोत्तर शत उपनिषद में। शास्त्रार्थ की दृष्टि से यह भी जानकारी आवश्यक है कि यज्ञोपवीत का मंत्र आर्य समाजियों के यहाँ वही है जो हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ है वो उनके यहाँ भी है, मंत्र वही है। लेकिन उनसे पूछिए कि आप जिसको प्रमाण मानते हैं वेद के रूप में, जिसका उल्लेख करते हैं, आपके वेद में कहीं यज्ञोपवीत का मंत्र है, नहीं है उनके वेद में, हमारे वेद में है अष्टोत्तर शत उपनिषद में दो स्थल पर यज्ञोपवीत का मंत्र है, संन्यास को लेकर नारद परिव्राज को उपनिषद में भी, संन्यास के प्रकरण में दो जगह यज्ञोपवीत का मंत्र है। तो हमने क्या संकेत किया कि जो पद्धतियां बनाई, तो इस पर हमारे विद्यारण स्वामी जी की टिप्पणी है, हम लोगों में कोई समर्थ है कि वेदों को पढ़ के आयुर्वेद निकाल ले, एक विशद ग्रंथ वो भूल गया मैं, लेकिन जब मैं छांदोग उपनिषद पढ़ा रहा था, अभी पांचवा अध्याय हो गया, छठे में प्रवेश हुआ है सात वर्षों में चातुर्मास में, तब इतने भाव आ रहे थे कि 1000 पृष्ठ का तो पांच अध्याय का मंथन करके आयुर्वेद का ग्रंथ निकाला जा सकता है। तो गीता प्रेस के संपादक जी से हमने कहा भी इस साइज के 1000 पृष्ठ तो, जबकि आयुर्वेद वहां स्पष्ट नहीं है, हमको दिखता है नृत्य करता हुआ आयुर्वेद छांदोग्य से, उनका लिख लेते। हमने कहा क्या क्या कर, जितना भाव आता है उसके लिए एक शरीर नहीं, मैं सिद्ध हूं नहीं कि कायव्यूह की रचना करूं, कायव्यूह की रचना करूं इस शरीर से, यह ग्रंथ इस शरीर से, यह ग्रंथ 40,000 पृष्ठ की सामग्री मस्तिष्क में है, अब उसको थोड़े से समय में ग्रंथ का रूप दे पाऊं बहुत कठिन है, 40,000 को 14,000 पृष्ठों में भी उतारना बहुत कठिन है, 1000 पृष्ठ की सामग्री लगता है कि गणित पर है मस्तिष्क में, उसको उतारना, चिंतन करके वो 1000 की सामग्री निकलेगी, लेकिन क्या है ये पता नहीं।
तो लगा कि आयुर्वेद पर ही 1000 पृष्ठ का ग्रंथ हो सकता है, जबकि सीधे आयुर्वेद का वर्णन नहीं है। तो हमारे विद्यारण स्वामी जी ने कहा कि हम लोगों में कौन समर्थ है कि वेदों को उन शाखाओं का मंथन करके ये सब रत्न निकाल ले। लेकिन विद्यारण स्वामी जी समर्थ थे। उदाहरण मैं देता हूं, 3-4 मिनट रह गए। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत। बृहदारण्यक उपनिषद का यह वचन है, हमको आपको दे दिया जाए। पंचदशी पढ़ के नहीं, पंचदशी पढ़ने के पूर्व अगर दे दिया जाए यह वचन बृहदारण्यक का, कितनी कारिका इससे निकाल सकते, कितने श्लोक निकाल सकते, विद्यारण्य स्वामी जी का कितना मनन होगा। छोटा सा वचन, उससे उन्होंने 300 से ज्यादा श्लोक निकाल लिया। चिदाभास के साथ भूमिका का वर्णन कर दिया। अज्ञान अवस्थाएं है ना, अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, शोकापगम है, निरंकुशा तृप्ति है, फिर शोधित अमर्थ पुरुष। इतनी सामग्री उनको दिख गई ना, दिख गई तो उन्होंने उसको श्लोकबद्ध 300 से अधिक वचनों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बृहदारण्यक की एक, बस एक पंक्ति का अर्थ उन्होंने या दो पंक्ति का अर्थ उन्होंने इतने शब्दों में निकाला। उन ऋषियों के हम लोग कृतज्ञ होंगे या नहीं? क्या हमको आपको कोई दे दे, जैसे मुझे दे दे वीणा हारमोनियम, तो मैं क्या स्वर निकालूंगा? मजीरा दे दे तो कुछ निकाल सकता हूँ, यूं करूंगा लोग भग जाएंगे, हमको भी कटु लगेगा। लेकिन जो बजाने वाले हैं, राग रागनी के विशेषज्ञ हैं, वो कितने स्वर निकाल लेते हैं उससे। इसी प्रकार से इन शास्त्रों का, मूल ग्रंथों का मंथन करके ऋषियों ने हमको कितना दिया। आजकल आज श्री गोविंदानंद जी से हम बता रहे थे, उसमें शब्द अलग थे, भाव वही है इस समय। हमारी आपकी स्थिति क्या है? किसी के पिता 1008 कमरे का एक भवन विशाल बना जाए, उद्यान इत्यादि भी हो सब, अब उसके बेटे पोते पोते कहें दिमाग खराब था। हम लोगों के लिए 10 कमरे बहुत थे, इनमें झाड़ू लगाना पोछा लगाना सब असंभव है, क्या करना चाहिए, दिमाग ही खराब था। आजकल के बेटे पोते यही कहेंगे ना, 1008 कमरे की क्या जरूरत थी, या 108 कमरे की भाई, 10 कमरे में अधिक से अधिक काम चल सकता था। अब लोग देखो 1008, वही हमारी आपकी स्थिति है। एक कुरान से काम चल जाता है इतने, आजकल लोग कहते हैं एक बाइबल से काम चल जाता उनका, इनका जो है इतने ग्रंथ जला दिए गए, फिर भी इतने ग्रंथ हैं उसे काम नहीं चलता। जितने ग्रंथ हमारे जला दिए गए 6-6 महीने तक उस ग्रंथागार में, वो सब क्या थे तो हमें नहीं पता, कुछ उनमें कहीं होंगे, अधिकांश लुप्त हो गए। जितने ग्रंथ हमारे आपके पूर्वजों ने मननी शक्ति के बल पर, मनन के बल पर दे दिया, अब उनको भी पढ़ने वाले नहीं रहे। वेद व्यास जी ने, आज हमने कहा गोविंदानंद जी के को कि हम लोगों का ध्यान इधर जाना चाहिए, अरे कलयुग के आरंभ में, द्वापर और कली की संधि दशा में, बल्कि महाभारत की रचना तो कलयुग में हुई, महाभारत युद्ध के इतने साल बाद महाभारत की रचना हुई, वो महाभारत में लिखा है। तो महाभारत युद्ध के समय कली का प्रवेश हो गया था। कली के प्रथम चरण में महाभारत भागवत इत्यादि की संरचना है, किसके लिए? कलयुग के, हमारे लिए, आपके लिए ना। तो जब वेद व्यास जी न, आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, 100 पेज रफ कर लीजिए फिर डिलीट कर दीजिए, एक क्षण में क्या लगेगा। उस समय ताल पत्र पर एक शब्द को खिसकाना हटाने में कष्ट होता था ना, उन लोगों की शैली इतनी सदी हुई थी कि एक शब्द में शोधन नहीं करना पड़े, एक मात्रा, कागज सीमित बहुत दुर्लभ, स्याही सीमित, कलम सीमित, आज तो यूं 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 खटखट कर ले। इसका मतलब किसके लिए उन्होंने परिश्रम किया, वेद व्यास जी ने,
भगवान शंकराचार्य इत्यादि मनीषियों ने, मधुसूदन सरस्वती जी ने, हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने, सब ने, सब तो वैदिक हैं, जिनके लिए परिश्रम किया हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास समय भी है कि कम से कम इनको झांके, इनमें है क्या, इसीलिए हमने संकेत किया। एक जो हमने विषय उठाया था, यहाँ पर धैर्य पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अगर अभिव्यंजक संस्थान न हो तो ब्रह्म या आत्मा पर क्या हो जाए, प्रहार हो जाए, निरात्मवाद है ही नहीं। और अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से जब अभिव्यक्ति हो जाती है तो हम उपेक्षा कर देते हैं कि दृश्य होने के कारण नश्वर है, इसलिए परंपरा से भाष्य इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। आंखें खुल जाती हैं जो भगवान शंकराचार्य की आलोचना करते हैं, कुछ किसी भी वस्तु के स्वरूप का अपलाप हमको अभीष्ट ही नहीं है, क्योंकि सब सत की सब स्फूर्ति है, सब की सब सदरूपता ही सिद्ध है। ये किया तो यहाँ पर जगत की जो बात है कि निरवयव ब्रह्म, निरंश ब्रह्म जगत कैसे हो गया, वहाँ परिणामवाद को मानने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर फिर विवर्तवाद मानना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी निरंश जो है उसका अंश कैसे होगा, तो औपाधिक अंश की कल्पना की गई, स्वरूपता परमात्मा निरंश है और जीव अंश शरीखा है, न कि अंश ही। और एक बात कह दें, परिणामवाद भी, पहले परिणामवाद को हृदयंगम करें तब विवर्तवाद की सिद्धि होगी। जगत को पहले शंकराचार्य भगवान ने सूत्रों के अनुरूप ब्रह्म का परिणाम बताया, लेकिन बाद में जो एकमेव द्वितीयम सांदोग्य में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य परमात्मा है, इस पंक्ति पर ध्यान देने पर, इन शब्दों पर ध्यान देने पर विवर्तवाद को मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया। तो यहाँ पर सहृदयता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्या केवल सत अनुभव का विषय हो सकता है क्या, नहीं अनुभव भी नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव हो रहा है, किसकी विशेषता है, जगत की विशेषता है, उपाधि की विशेषता है, सन घटा सन पटा सन त्यापा अस्ति भू सन वायु, सत का दर्शन होता है या नहीं, और अगर उपाधि ना हो तो केवल सत दृश्य हो सकता है, अमुक भाति भाति भाति, ये क्या है, वेदांत परिभाषा से मैं बोल रहा हूँ। ये जगत उपाधि की महिमा है कि जगत के माध्यम से हमको अदृश्य ब्रह्म का दर्शन होता है, भाति भाति अमुक प्रिय प्रिय, केवल सच्चिदानंद तो दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, लेकिन यह जगत की महिमा है, तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की महिमा है कि हम ब्रह्म का आत्म रूप से और आत्मा का जीव रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो आज के प्रवचन का सार, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। स्थूल शरीर जो हमारा आपका है, यह सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है एक दृष्टि से, प्राग्ञ रूप मूल जीव का, और जीव जो है शिव स्वरूप तुरीय तत्व ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। अतः देहेंद्रिय प्राणांतःकरण ये भी परिष्कृत होना चाहिए, बल्ब के जितने पावर होंगे उसी क्रम से वह विद्युत का अभिव्यंजक होगा, बादल मेघमंडल के तारतम्य से विद्युत के अभिव्यक्ति में तारतम्य की सिद्धि होगी। इस प्रकार से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को सुसंस्कृत सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, और अभिव्यक्त रूप अनभिव्यक्त रूप दोनों दृष्टि से आत्मा के अनुशीलन की आवश्यकता है। हर हर महादेव। श्रोताओं की, आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, कठिनाई में जानता हूँ, ये जो छिटपुट गोलाबारी की शैली में हमने प्रवचन किया उसमें निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन है, वैसे हम निकाल के दे भी देते हैं, तो चारों ओर से जो चतुर्दिक समीक्षा वाली शैली को पकड़ पाना बहुत कठिन है।
मेरे लिए ये समस्या हो गई है शैली कि मेरे प्रवचन का अनुकरण नहीं कोई कर पाए, न लेखनी का न प्रवचन का अनुकरण, क्योंकि दिमाग फटने लगता है। कभी न्याय को छुआ, मीमांसा को छुआ, सुबह सांगोपांग विवेचन करने में बहुत जानकारी चाहिए। अब बुद्धि इधर उधर खिसक गई तो बस सो गए, या इधर चले गए तो कुछ समझ में नहीं आवेगा। लेकिन ये सब मनन के द्वारा, महापुरुषों के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जो अध्ययन के प्रति अभिरुचि की शिथिलता है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हम तो रो पड़ते हैं एकांत में, इतना परिश्रम किया होगा वेदव्यास जी ने, किसके लिए? हम लोगों के लिए। हमको वो भी समय नहीं है कि हम एक बार कम से कम वेदव्यास जी को ही देख दें, एक हंसा दें, प्रवचन को विराम दें। एक कौन ज्ञान गुप्त हैं भुवनेश्वर में, बहुत अपनत्व रखते हैं, तो हमने कहा कि हमारे कमरे में तो हमारे सोने योग्य जगह ही नहीं रह गई। बात अभी ऐसे ही है, पुस्तक पुस्तक पुस्तक, एक पुस्तक पे 25 पुस्तक, एक पुस्तक ढूंढना मेरे लिए कठिन है, कमरे में जगह नहीं। और मेरे व्यक्तिगत पढ़ने की सब पुस्तकें हैं, अभी लगभग 500 और पुस्तकें चाहिए, तो मुझे जितनी पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत अच्छा एक मिनट में हल दे दिया। क्या दिया मालूम? जो पुस्तक आप पढ़ चुके हो ना, नीचे दे दीजिए, हम पुस्तकालय में रख देंगे। हमने कहा कि मैं तो ऐसी पुस्तक कभी पढ़ते ही नहीं जो पुस्तकालय को देने की जरूरत हो नीचे। मैंने कहा हम तो ऐसी पुस्तक पढ़ते ही नहीं है जिसको लेकर हमें हो गए कि हम पढ़ लिया, हमने अमुक ग्रंथ हमने पढ़ लिया, उस अमुक पुस्तक को मैंने पढ़ ली। कोई ऐसी पुस्तक है क्या? हम लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं कभी कह सकते हैं कि पुस्तक मैंने पढ़ ली? गीता को कोई कह सकता है कि गीता मैंने पढ़ ली, मुझे जरूरत नहीं है, ले लो? उपनिषदों के बारे में कोई कह सकता है? पंचदशी जी ले लीजिए, छोड़ दीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए। कोई कह सकता है कि रामचरितमानस मैंने पढ़ लिया, सारी जानकारी मुझे हो गई, अब तुम ले लो, अब हमें जरूरत नहीं है? तो वो मुंह देखने लग गए, उनके समझ की तो बात नहीं थी। उन्होंने कहा क्या कह रहे? तो हमने कहा हमारी पुस्तक देखो। आज ही मैं सोच रहा था, हमारे जो श्री कैवल्यानंद जी हैं, इनकी पुस्तक इतनी सदी होती है, अभी कल दो पुस्तक भेंट की इन्होंने, हमारी पुस्तक देखिए पंचदशी, महाभारत जो पूरी में पढ़े, आप एक पेज भी नहीं पढ़ सकते, अब सब फट गए, महाभारत के शांति पर पूरे फट गए। तो हमने सोचा कि हम क्या अनारी हैं, क्या करते हैं हम, तो भाई इतने बार पढ़ते हैं पुस्तक पुस्तक ही नहीं रह जाती है, फिर भी नहीं लगता कि पढ़े। हमारे शांति पर महाभारत में देखे, केवल यहाँ के नहीं वहां कुछ भी हिसाब, अब हमारे काम के नहीं। उपनिषद जो वहां जाके पढ़े हैं वो केवल धरोहर है, क्योंकि उसमें हमने टिप्पणियां लिख दी, कुछ संकेत लिख दिया, वो तो हमको कोई दे नहीं सकता है। लेकिन अब वो हमारे काम की उपनिषद नहीं है, तो हम सोचते हम पढ़ना नहीं जानते या क्या अनारी हैं। तो इसका मतलब फिर भी नहीं लगता है कि कुछ जानते हैं। तो आज के प्रवचन का सार, इन सब ग्रंथों पर समय लगाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि व्यास जी इत्यादि ने, शंकराचार्य जी इत्यादि ने इतना जो परिश्रम किया, किसके लिए किया? उनके परिश्रम से हम लाभ उठाने की स्थिति में हैं या नहीं? तो लाभ उठाने के लिए अध्ययन का बल बढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव।